नमस्कार दोस्तों, मैं मन आपका स्वागत करता हूं एवरीवन टेक्निकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कुछ गेटअप्स के प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं मैं मंगा चुका हूं सिवाय साउंड बार को छोड़ के। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं उनके मेरे मतलब जो एक्सपीरियंस रहा उन प्रोडक्टों के साथ वो कैसा रहा, जो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है या पहले अवेलेबल थे उन सब प्रोडक्टों पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों पहला प्रोडक्ट है MI USB केबल। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं इसका बॉक्स, MI USB केबल जो एक माइक्रो USB केबल है। आपने भी ये प्रोडक्ट जरूर मंगाया होगा, ये मेरा पहला प्रोडक्ट था जो मैंने गेटअप से मंगाया था। दोस्तों ये करीब 1.2 मीटर की केबल होती है, काफी बढ़िया है। अभी ये कुछ इस तरह का बॉक्स आता है, आप देख सकते हैं हाथ में, 4,500 कॉइन्स का है ये। जो अगर बात करें इसके प्रोडक्ट की, जो ये MI USB केबल है तो काफी अच्छी केबल है, काफी बड़ी है 1.2 मीटर की। इसके अलावा इसकी क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा काम करती है, ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा ये करीब एक साल तक चलेगी मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा मानना है। वैसे चलेगी तो आपकी USB केबल ज्यादा ही, लेकिन थोड़ी चार्जिंग में स्लो हो जाता है बस, और कोई दिक्कत नहीं आती इस केबल में। काफी केबल बहुत बढ़िया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की ओर, जो है MI की टाइप सी केबल। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में MI की टाइप सी केबल, ये करीब 1 मीटर की केबल होती है और ये दो कलर में आती है, एक रेड और एक ब्लैक। अभी मेरे पास ब्लैक कलर ही अवेलेबल है तो मैं आपको ब्लैक ही शो कर रहा हूं यहाँ पर। ये रेड भी आती है और ब्लैक भी आती है, तो आप जोन से मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। करीब 7,500 कॉइन की है, आपको इसमें कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना पड़ता है, ये काफी अच्छी बात है। टाइप सी है तो काफी अच्छी चलती है, तो सेम जैसी माइक्रो USB केबल चलती है वैसी ये टाइप सी भी चलती है। कोई दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा साइजिंग का डिफरेंस है, वो 1.2 मीटर की है और ये है 1 मीटर की। चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की ओर, जो है MI ईयरफोन। दोस्तों आपको याद होगा ये प्रोडक्ट के लिए बहुत लूट मची थी, MI ईयरफोन बेसिक विद माइक। दोस्तों अब ये प्रोडक्ट नहीं है, पहले ये करीब 10,000 कॉइन का आता था, फिर 12,000 का हुआ, फिर हट ही गया। तो काफी अच्छा प्रोडक्ट था, अभी तक मेरे पास ये वाली ईयरफोन पड़ी आप देख सकते हैं, और एकदम प्रॉपर इसमें आवाज आती है। बस ये होता है कि थोड़े दिन बाद क्या होता है, जैसे साल डेढ़ साल बीतता है तो एक जो एक वाला होता है राइट या लेफ्ट, उसमें थोड़ी आवाज कम हो जाती है, बाकी कोई इशू आता नहीं है। तो काफी अच्छी है ये MI की ईयरफोन। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की ओर, जो है MI का चार्जर। दोस्तों मेरे पास अभी यहाँ पर अभी बॉक्स आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर लगा रखा है MI का 2 एम्पियर फास्ट चार्जर विद केबल। काफी अच्छा प्रोडक्ट है, पहले जो हर फोन आते थे उनके साथ सेम यही चार्जर आता था दोस्तों। और ये जो चार्जर है काफी इतना बढ़िया चार्जर है, आप मानोगे नहीं, करीब एक साल तक आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक साल बाद ये भी इतना लो हो जाता है, इतना बढ़िया काम नहीं करता है। ये मेरा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है। ये करीब 11,200 कॉइन की है, मतलब में आ जाता है ये, और आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज पे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है MI मोशन लाइट, तो ये करीब 15,000 कॉइन में आती है, आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना है। काफी अच्छी लाइट है लेकिन इतनी बेकार है आप मानोगे नहीं। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन एक तरह से ये वेस्ट है। मैं आपको ये लाइट दिखा देता हूं कैसी है, मैंने इसे यूज कर रखा है, आप ये देख रहे होंगे इसका ये जो बॉक्स है इस पे ये मैग्नेट जब हम चिपकाते हैं और जब इसे यूज करते हैं तो इसमें पूरे स्क्रैचेस भर जाते हैं। तो आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और ये कहीं पे चिपकी हुई नहीं, बार बार यूज हो जा रही है, तो इसका मैग्नेट जो है वो कमजोर हो जाएगा, यहाँ पर एक माउंट है वो भी खराब हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर काफी सारे स्क्रैचेस आ जाएंगे। और ये बात इस लाइट में मुझे बुरी लगी थी क्योंकि इसमें पूरे 3 निप्पो के सेल लगते हैं और वो आपको बार बार बदलने पड़ेंगे। अगर ये चार्जेबल होती तो बहुत बढ़िया रहता, ये चार्जेबल नहीं है तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी आप इसे मंगा सकते हैं और आपने मंगाया भी होगा तो मुझे नहीं लगता ये आपको इतना अच्छा प्रोडक्ट लगा होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट की ओर, जो है बैग। दोस्तों वो कौन सा बैग है मैं आपको दिखा दूं, शायद आपको ये याद होगा 18,500 कॉइन में ये बैग आता था और ये शेयर शैप के थ्रू मंगाते हैं, जब पहले की बात कर रहा हूं मैं, लॉकडाउन से पहले की। फिर उसके बाद शेयर शैप पे थोड़ा पंगा हुआ, जब चाइना के सामान सब बैन हुए तब शेयर शैप ऐप ही बंद हो गया, तो ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट था जो मैंने शेयर शैप ऐप से मंगाया था। काफी अच्छा बैग था 18,500 कॉइन का, अभी तक देखिए ब्रांड न्यू पड़ा हुआ, मैंने इसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। तो आपने भी शायद मंगाया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये बैग कैसा लगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतने सारे आपको प्रोडक्ट बता दिए हैं, अब जो बाकी के पेंडिंग प्रोडक्ट्स बचे हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।